हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेट्रोलॉजी का लैब देखेंगे। उसमें अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्लिप गेज। दिस इज स्लिप गेज, वन टाइप ऑफ सेट, मेनली थ्री और फोर टाइप ऑफ सेट्स ऑफ स्लिप गेज। सपोज नाइन नेम देम, M105, M87 एंड M45 एंड M32. दिस इज द 32 पीसेस ऑफ ब्लॉक गेज। हम लोग स्लिप गेज को जॉनसन गेज भी बोलते हैं, क्योंकि स्लिप गेज का डेवलप जॉनसन किए थे, जिसकी वजह से। तो हमारे पास जो स्लिप गेज है वो है 32 पीस के। जो एवरी स्लिप गेज का जो ये होता है डायमेंशन होता है, वो होता है 30 mm इंटू 10 mm इंटू थिकनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। सपोज लाइक ये इसका 10 mm का है ये वाले, और इसका थिकनेस है रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली, और ये 30 mm का है। तो इस तरह से हम लोग का ये 32 mm वाला स्लिप गेज का सेट है। ये बहुत ही स्मूथ होता है, और इसका ये मेनली एलॉय स्टील का बना होता है। स्लिप गेज का यूज हम लोग लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ये माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर की तरह ही ये प्रिसाइज मेजरिंग देता है लीनियर मेजरमेंट में। स्लिप गेज का रिंगिंग प्रोसेस, हम लोग इसको किस तरह से एक दूसरे में अटैचमेंट करते हैं, ठीक है। सपोज दो सेट हमको करना है इसको, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, रिंग करेंगे इसके पल्लली, फिर इसको रोटेट कर देंगे, फिर देन इसको रिंग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे में अटैच हो जाएगा, और ये इतनी अटैच हो जाती है कि इसको अब हम लोग हाथ से ओपन करेंगे तो ये ओपन भी नहीं होगा बहुत जल्दी, ठीक है। ये इसकी सरफेस स्मूथ फिनिश की वजह से ये एक दूसरे में अटैच हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इसके रिंगिंग प्रोसेस। हम लोग अभी देखे स्लिप गेज, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्प्रिट लेवल। सबसे पहले स्प्रिट लेवल हम लोग यूज क्यों करते हैं, कोई भी चीज को हम लोग लेवलिंग करने के लिए स्प्रिट लेवल का यूज करते हैं। जैसे कि पता करते हैं कि ये टेबल अभी हमारा लेवल पे है या नहीं। यहाँ पर फोकस कीजिएगा सर, ये अभी लेवल पे नहीं है। इसको लेवल करने के लिए हम लोग को इसको एक साइड से उठाना पड़ेगा। बीच में एक दिख रहा होगा आप लोगों को, वो अभी बीच में नहीं है, उसको लेवल करते हैं। अभी ये लगभग लेवल में दिख रहा होगा। उसके बाद जैसे हम लोग कोई भी मोटर अलाइनमेंट करते हैं, उसको लेवलिंग चेक करने के लिए, जैसे मोटर लेवल पे है या नहीं। मोटर अगर लेवल पे नहीं रहेगा तो उसका कपलिंग टूट सकता है या बूस्ट टूट सकता है, शाफ्ट टूट सकता है, इसलिए उसको सबसे फर्स्ट में लेवलिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। सेकेंड नंबर हम लोग अभी किए स्प्रिट लेवल, उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कैसे यूज करते हैं, उसको यूज कहाँ किया जाता है, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। माइक्रोमीटर्स मेनली जिसे वर्नियर कैलिपर होता है, उसमें एक वर्नियर कैलिपर्स में ही हम लोग इनसाइड आउटसाइड एंड डेप्थ मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोमीटर्स में हर एक का अलग अलग टाइप होगा। इनसाइड माइक्रोमीटर्स के लिए अलग होगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर्स के लिए अलग होगा, डेप्थ माइक्रोमीटर्स के लिए अलग होगा। वर्नियर कैलिपर में भी वैसा होता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का अगर जनरल यूज के लिए जो यूज करते हैं उसमें अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग उसमें एक्सटर्नल इंटरनल एंड डेप्थ सारे एक वर्नियर कैलिपर्स में मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोमीटर्स में ऐसा नहीं होता है। माइक्रोमीटर्स में हर एक का अलग अलग टाइप आएगा, इनसाइड के लिए अलग आएगा, आउटसाइड के लिए अलग आएगा एंड डेप्थ के लिए अलग आएगा। अभी मैं हमारे पास है जो हम जिसका हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर्स, और आउटसाइड माइक्रोमीटर्स में भी हर एक का अलग अलग रेंज होगा, और वो रेंज उस माइक्रोमीटर्स में पुट आउट रहता है, लिखा हुआ रहता है, इसमें भी लिखा हुआ है
यहाँ पर इसका रेंज है 0 to 25 mm, यानी कि ये 0 to 25 mm तक के रेंज को ही मेजरमेंट कर सकता है, उससे ज़्यादा का ये मेजरमेंट नहीं कर सकता है। ये इसका फ्रेम है, ये वाली पोर्शन जो ग्रीन में है, इसके आगे वाले में इसको बोलते हैं एनफिल। ये छोटा सा टीप है जिसपे हम लोग बट करा के किसी भी वर्कपीस का हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एनविल। ये है स्पिंडल जो यहाँ से स्क्रू के साथ अटैचमेंट है, जिस जब हम लोग रोटेट कराते हैं तो ये आगे मूव करता है। ये है लॉकिंग नट, ये है मेन स्केल्स जिसमें हम लोग का mm और 0.5 mm में ये हम लोग का ग्रेजुएट किया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग थिम्बल स्केल्स जो सर्कुलर स्केल्स है जिसमें 0 to 50 mm का ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसको बोलते हैं थिम्बल्स। इसमें नर्लिंग किया हुआ है फॉर बेटर ग्रिपिंग के लिए, जब हम लोग किसी को मेजरमेंट करें तो इसमें बेटर ग्रिप हो, इसके लिए हम लोग का दिया हुआ है। ये है रेचेट स्क्रू, ये फ्रीमली टाइट करने के लिए यूज करते हैं, जब हम लोग को लगा कि इसमें हम लोग का टाइट हो गया तो हम लोग को फ्रीमली टाइट करने के लिए हम लोग इसको 3 times रोटेट करते हैं। अब इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं या फिर इसका हम लोग जो डायमेंशन जो ग्रेजुएशन दिया हुआ है इसका हम लोग ग्रेजुएशन को कैसे पढ़ते हैं, यहां पर नजदीक में अगर देखें तो ये नीचे वाले जो स्केल्स हैं ये mm में है, ये भी mm में है। इसमें क्या है, 0 से लेके 1, उसके बाद 2 है, फिर 3, यहां से लेके 4 बीच में ग्रेजुएशन दिया हुआ है, यानी कि 5 टोटल डिवाइड किया हुआ है 0 टू 5 के बीच में, यानी कि ये 0 टू 5 mm है। बट इसके बीच में भी एक और ऊपर में ग्रेजुएशन है जो क्या दर्शाता है, 0.5 mm। और ये भी हम लोग का जो सर्कुलर स्केल्स है इसमें 50 रोटेट किया हुआ है, दैट मीन्स कि हम लोग एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करेंगे इसको 0 से लेके, एक रोटेशन फिर से 0 आएगा तो ये 0.5 mm मूव करता है, इसीलिए इसका लीस्ट काउंट भी है 0.01 mm, यानी कि 10 माइक्रोन्स हम लोग का इस माइक्रोमीटर्स का लीस्ट काउंट है, मतलब मिनिमम हम लोग इसमें 10 माइक्रोन्स तक हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू है। अब हम लोग माइक्रोमीटर से हम लोग एक्सटर्नल मेजरमेंट करके देखते हैं, आउटसाइड मेजरमेंट करके। एक हम लोग के पास वर्कपीस है ब्रास मेटल का, इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए थिम्बल स्केल से हम लोग मेजरमेंट ये कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, धीरे धीरे लेके जाना है इसको, बहुत स्पीडली नहीं लेके जाना है। पहले एनविल में हम लोग इसको क्या करते हैं, टच कराते हैं, फिर स्पिंडल को आगे धीरे धीरे लेके जाते हैं। जब लगे कि वो उसमें टाइट हो गया थिम्बल स्केल से, तब हम लोग बहुत ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, वरना हम लोग का क्या होगा, एरर आने लगेगा। अब हम लोग इसको 3 times मूव कराएंगे, आवाज भी करता है ये कट कट करके, प्रोसेस को नजदीक लेके आइए, आवाज पता चलेगा आपको, 1, 2 and 3 times। जब ये हो जाएगा फिर इसको हम लोग लॉक कर लेंगे। अब इसको हम लोग ये करके देख लेंगे, यहीं से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं या तो फिर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ताकि हम लोग का ये हिले ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि बड़ा वाला कहाँ पे पहुंचा है हम लोग का, ये देखिए 15.5 के बाद है ये, है ना, 15.5, यानी कि पहले तो हम लोग राइट डाउन कर लेंगे 15.5, फिर देन देखेंगे ये कहां तक आया है, ठीक है, ये 0.5 में ये ऐड हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा 15.85 इसका ये। अब इसको हम लोग फिर रोटेट करके बाहर निकाल लेंगे, एज यूजुअल इसी तरह का हम लोग इसमें हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अभी हम लोग देखे मेट्रोलॉजी का माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से कैसे मेजरमेंट चेक होता है, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रेडियस गेज। रेडियस गेज मीन्स होता क्या है कि कोई भी रेडियस वर्कपीस को हम लोग चेक करते हैं कि वो सही में रेडियस है या नहीं है, तो रेडियस गेज से हम लोग देखेंगे कि वो रेडियस है या नहीं, इस शेप में है या नहीं है। यूज ऑफ रेडियस गेज, रेडियस गेज का हम लोग यूज कैसे करेंगे और जनरली इसका
क्या यूज करते हैं, जब भी रेडियस गेज का जो सेट आता है उसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों सेट होता है। ये जो है हम लोग का एक्सटर्नल रेडियस मेजरमेंट करने के लिए है, और इस तरफ वाली जो है उभरी हुई है इसको हम लोग इंटरनल रेडियस के लिए यूज करते हैं। और हर एक रेडियस का जो ये है मतलब जो ये है प्लेट है उसमें उस कितने का रेडियस है उसका डाइमेंशंस लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 1 mm शो कर रहा होगा। वैसे ही हर एक रेडियस गेज का ये में हर एक में अलग अलग डाइमेंशंस लिखा हुआ है, हर एक में 6.5 mm 6.6 mm इसी तरह का, इस तरफ में भी है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों में। तो जब हम लोग बना रहे होते हैं या फिर कोई बना हुआ रेडियस रहता है जिसको हमको उसका रेडियस मेजर जानना है तो हम लोग रेडियस गेज का यूज करते हैं। जैसे कि सपोज इसमें जो है रेडियस बना हुआ है, ये रेडियस कितने का है, या तो फिर जब हम लोग इसको बना रहे होंगे तो जो मैन्युफैक्चरर हमको जो बनाने के लिए जो दिया है वो तो उसका कुछ रिक्वायरमेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक बार में हम लोग रेडियस नहीं बनाते हैं लेथ मशीन में, हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये पहले अगर इस तरह का है तो एक बार में अगर रेडियस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टूल मेरा ब्रेकेज करने के चांसेस रहेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, पहले थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा। तो जब थोड़ा थोड़ा बना रहे होते हैं उस टाइम पे हम लोग डेप्थ ऑफ कट दे रहे होते हैं, उसमें हम लोग हर एक बार में इसको चेक कर रहे होते हैं कि अभी अगर 6 mm मेरा है तो पहले 4 mm वाला को देखे देखे, फिर 5, फिर लास्टली हम लोग 6 mm, एक बार में हम लोग नहीं बनाते हैं। तो ये हम लोग का जनरली इंटरनल रेडियस के लिए यूज है, और ये हम लोग का एक्सटर्नल रेडियस के लिए यूज होता है इस साइड वाला ये, ठीक है। यह हमारा है स्क्रू पीच गेज, इसमें हम लोग थ्रेड को मेजरमेंट करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ। तो हमारे पास जनरली जो हम लोग थ्रेड हम लोग का जो मार्केट में मिलता है या फिर हम लोग जनरल पर्पस के लिए जो यूज करते हैं उसमें विटवर थ्रेड 55 degree और मेट्रिक थ्रेड 60 degree वाले हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास जो पीस गेज भी है वो भी हम लोग का क्या है, मेट्रिक थ्रेड 60 degree, मेट्रिक थ्रेड 60 degree एंड विटवर थ्रेड, मेट्रिक थ्रेड 60 degree एंड विडवर थ्रेड 55 degree वाला ही हम लोग भी यूज कर रहे हैं जो जनरल पर्पज के लिए यूज होता है। वैसे तो थ्रेड बहुत टाइप का होता है, स्क्वायर थ्रेड भी होता है, एक्मे थ्रेड भी होता है, लेकिन जो हम लोग जनरल पर्पज के लिए जिसका यूज करते हैं वो है विडवर थ्रेड एंड मेट्रिक थ्रेड। तो हम लोग के पास भी वही है, मेट्रिक थ्रेड का 60 degree एंड विडवर थ्रेड 55 degree। अभी हम लोग इसको मेजरमेंट करके दिखाएंगे थ्रेडिंग कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको 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 जानना है कि ये किस चीज का थ्रेड है, मेट्रिक है कि विड्थ है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास अभी है मेट्रिक थ्रेड 60 degree भी थ्रेड जिसको बोल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग 50% में है भी थ्रेड मेट्रिक थ्रेड्स एंड 50% में है विड्थ थ्रेड, ठीक है, यहां से पार्टीशन किया हुआ है। तो हम लोग ये हम लोग का है मेट्रिक थ्रेड का थ्रेड कटिंग किया हुआ है, तो हम लोग मेट्रिक थ्रेड वाले ही हम लोग थ्रेड्स को हम लोग निकालेंगे यहां से। उसके बाद अगर मेरे को इसका मेजरमेंट पता है ऑलरेडी तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग उसी थ्रेड को निकालेंगे, यहां पे हर एक थ्रेड का पीच का और वो किस मेट्रिक थ्रेड का बना हुआ है उसका यहां पे ये लिखा रहता है मेजरमेंट, यहां पे हर एक पीच में हर एक पीच का जो ये है गेज है उसमें यहां पे लिखा हुआ रहता है। तो अगर हमको इसका एग्जैक्ट पता है तो हम लोग डायरेक्टली उसी को निकालेंगे, अगर नहीं पता हुआ है तो उसके राउंड अप में हम लोग आसपास के जो पीच है उसको निकाल निकाल के हम लोग चेक करेंगे कि एग्जैक्टली ये कौन सा बैठ रहा है ना सारे पीच में, जैसे कि ये अभी नहीं बैठ रहा है तो हम लोग फिर से हम हटाएंगे इसको। दूसरा बैठा कर देखेंगे, देखिए सेकंड नंबर वाला एकदम एग्जैक्टली बैठ रहा है। अब हम लोग यहां से इसका पिच हम लोग पता कर सकते हैं कि ये इसका पिच कितने का है, ये 2 mm का पीच है इस पे। तो हम लोग इस तरह से हम लोग पीच हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ये था हम लोग का एक्सटर्नल जिसमें पीच कटिंग किया हुआ है, हम लोग इंटरनल इसी तरह का नट में भी यूज करके हम लोग पीच मेजरमेंट करते हैं।
सपोज लाइक दिस टाइप ऑफ अगर नट है तो इसके अंदर में भी जो थ्रेड कटिंग किया होता है इसको भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। लास्ट हम लोग अभी देखे पिच गेज, इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी फिलर गेज। फिलर गेज क्या होता है, इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। फिलर गेज है, ये हमारे फिलर गेज है जिसमें हम लोग मेनली गेप को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि कितना गेपिंग है। जैसे इससे पहले जब हम लोग स्प्रिट लेवल का यूज कर रहे थे, जब हम लोग स्प्रिट लेवल का यूज करते हैं और हम लोग का लेवल जैसे कि ये इस साइड में थोड़ा सा ज्यादा भाग रहा है, यानी कि ये जो हमारा बॉक्स है ये हम लोग का फुली लेवल्स नहीं है, तो ये इसमें हम लोग कितना गेप अप करेंगे, हम लोग कितना इसमें फीलिंग करेंगे कि ये बॉक्स पूरी तरह एग्जैक्टली हम लोग का लेवल पे आ जाए। तो इस तरह का जब हम लोग को गेप को मेजरमेंट करना रहता है या फिर फीलिंग करना रहता है तो उस टाइम पे हम लोग फिलर गेज का यूज करते हैं कि इसमें कितना फीलिंग करना पड़ेगा हम लोग को। तो ये माइक्रोमीटर्स और वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा लिस्ट काउंट होता है, इसमें बहुत ही पतले पतले हैं। जैसे इसमें है सबसे मिनिमम अगर हम लोग देखें तो 0.38 mm का है ये, इससे भी पतला होता है, ये एकदम बहुत ही थीन है, इसी तरह का है इसका। तो हम लोग जितने का हम लोग का गैप अप होगा वहां पे हम लोग सारे को हम लोग मेजरमेंट कर करके देखेंगे और उसी तरह का उतना का ही हम लोग गैप उसमें हम लोग फिल करेंगे। सपोज जैसे कि हम लोग इसमें एक अभी अंदर करके देखते हैं, ये अंदर अभी तो इसमें बहुत ज्यादा गैप है, अगर ये नहीं जा रहा होता तो हम लोग फिर दूसरे को हम लोग ट्राई करते जो इससे भी पतला हो, जो इससे भी थीन हो, उसको फिर हम लोग ट्राई करते। उसके बाद यहाँ जो गैप है उस गैप में हम लोग इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जितने भी हम लोग का लिखा हुआ है 0.51 mm इतना ही mm का हम लोग गैप अप भरेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद ये लेवल अपने सेट हो जाएगा। बस इसको हम लोग लेवलिंग करने के लिए या फिर गैप को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग फिलर गेज का यूज करते हैं। इससे पहले हम लोग अभी देखे फिलर गेज के बारे में कि वो यूज कहाँ होता है, क्या होता है फिलर गेज। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ये सबसे पहले हम लोग इसका पार्ट्स के बारे में देखते हैं, वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में देखते हैं। ये जो दिख रहा है ये दो जॉ है, ये है फिक्स जॉ, ये जो साथ में हम लोगों का मूव कर रहा है ये दोनों जॉ, इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ। ये है फिक्स जॉ एंड ये है मूवेबल जॉ। उसके बाद इसमें एक लकीर है, ये पूरा है, इसको बोलते हैं मेन स्केल, ये पूरा, इसको बोलते हैं मेन स्केल। ये साथ में जो मूव करता है, यहाँ भी कुछ रीडिंग दिए हुए हैं दोनों साइड से, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। उसके बाद ऊपर में इसमें एक यहाँ पे लॉकिंग नट दिया हुआ होता है, अगर कहीं पे हम लोगों को फिक्स करना है तो इससे लॉक कर देते हैं, उसके बाद मेजरमेंट देखते हैं ताकि ये इधर उधर घिसके ना। उसके बाद इससे हम लोग आउटसाइड मेजरमेंट करते हैं, इससे हम लोग इनसाइड मेजरमेंट करते हैं, और इधर एक पीछे साइड देखते होंगे एक लंबा सा निकल रहा है, इससे हम लोग डेप्थ मेजरमेंट करते हैं। इसमें एक कॉर्नर शेप का भी बना हुआ है, इसका यूज कहाँ होता है, जहाँ कॉर्नर शेप होता है, जहाँ बैठने का चांसेस नहीं होता है वहाँ पे ये कॉर्नर बैठ जाएगा। मान लीजिए जैसे ये इस कॉर्नर पे अंदर में उभरा हुआ भाग रहेगा, कॉर्नर ठीक से नहीं रहेगा, वहाँ पे ये बैठ जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ कटिंग किया हुआ है। तो इसको अभी यूज करके हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग मेजर करके देखते हैं वर्नियर कैलिपर से कि किस तरह से मेजर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका लीस्ट काउंट क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पे फोकस कीजिए, इसका लीस्ट काउंट है 0.02 mm, ठीक है, इसका लीस्ट काउंट है 0.02 mm। तो इसको सबसे पहले हम लोग आउटसाइड मेजरमेंट लेते हैं,
आउटसाइड मेजरमेंट ले रहे हैं अभी। लॉकिंग नट की मदद से हम लोग टाइट कर देते हैं। लॉकिंग नट के मदद से टाइट कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोगों का ये कितना यहाँ पे मेजर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे मेन स्केल पे। मेन स्केल में हम लोगों देखेंगे यहाँ जीरो से देख रहे हैं। यहाँ 10 mm हो गया, यहाँ 20 mm हो गया, यहाँ 30 mm हो गया। कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं कि मेजरमेंट यहाँ से देखना शुरू करते हैं, बट हम लोगों को यहाँ से देखना नहीं है। जीरो के सामने जो लकीर है, ये जीरो के सामने जो लकीर है वहां से हम लोगों को देखना है। तो ये 40 mm पार कर चुका है, 40 mm से अभी कम है, 40 mm पार कर चुका है और 41 से कम है। तो फिर इधर हम लोग वर्नियर स्केल का लकीर मेन स्केल का लकीर से मैच करवाएंगे कि कहाँ पे मैच किया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं जो वर्नियर स्केल में 8 लिखा हुआ है वो लकीर एग्जैक्ट मैच किया हुआ है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 40.80 mm, 40.80 mm। बहुतों का क्वेश्चन होगा कि क्यों हुआ 40.8 mm। तो 40 तो हम लोगों को यहाँ से दिख चुका था, 40 हम लोगों को मेन स्केल से मिल गया था, तो यहाँ पर लिख लेंगे 40, ठीक है। उसके बाद पॉइंट देंगे, पॉइंट में कुछ आएगा वो कैसे पता करेंगे। तो यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक है 5 लकीर, 10 लकीर, यहाँ से यहाँ 5 लकीर है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 1 लिखा हुआ है, वहाँ तक है 5 लकीर। तो उसके बाद कितना गैपिंग है, 1, 2, 3, 4, 4 गैपिंग है। तो कितना हो जाएगा, हम लोगों का था 8 पर था, ठीक है। तो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 40 लकीर। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.02 mm इंटू कर देंगे हम लोग 40 से। तो ये हम लोगों का आ जाएगा, 40 यहां से मिला हुआ है पहले से, 40.80 mm, 80 यहां से आएगा, इसको इंटू करेंगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आउटसाइड मेजरमेंट निकाले। अभी दिखा हम लोग देखेंगे इनसाइड मेजरमेंट। इनसाइड के लिए ही हम लोग देखते हैं, यहाँ से मेजरमेंट कर लेते हैं, यहाँ जो बीच का भाग है इसका मेजरमेंट अभी हम लोग करेंगे इनसाइड से, ये ऊपर वाला पोर्शन से हम लोग इनसाइड मेजरमेंट करते हैं। अभी वर्नियर कैलिपर यहाँ लगाए हुए हैं, अभी लॉकिंग नट के मदद से हम लोग थोड़ा इसको टाइट कर लेते हैं। लॉकिंग नट की मदद से हम लोग टाइट कर लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ये कितना हुआ। आप लोग देख रहे होंगे 10 से कम है, 9 के सामने में है। फिर हम लोग देखते हैं क्या एग्जैक्ट 9 mm है या 9 से ज़्यादा है। तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9 हम लोगों को यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि यहाँ 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7, 8, 9 mm, ठीक है। 9 mm हम लोग कहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद पॉइंट में देखने के लिए फिर हम लोग वर्नियर स्केल का लकीर मेन स्केल के लकीर से यहाँ मैच करवाएंगे। तो ये 2 लिखा हुआ है यहाँ वर्नियर स्केल में, वहाँ ये मेन स्केल का लकीर से मैच किया हुआ है। तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट। मैं आप लोगों को थोड़ा लिख के समझा रहा हूँ, 9 मेन स्केल से मिला था हम लोगों का। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं,
यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है वन तक है फाइव लकीर, उसके बाद यहाँ तक है टेन लकीर। तो इसको हम लोग 0.02 mm से इंटू करेंगे, 10 लकीर 10 है तो इसको 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इंटू अभी करते हैं इसको, तो ये आ जाता है हम लोगों का 0.2 mm, और हम लोगों को मेन स्केल से मिला हुआ है 9 mm, उसके बाद 0.2 mm, ठीक है। तो ये हम लोगों का मेजरमेंट यहाँ पे हो जाता है 9.2 mm, ठीक है। अभी हम लोग देखे इनसाइड मेजरमेंट, आउटसाइड, और उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे इधर से डेप्थ मेजरमेंट किस प्रकार से करते हैं। तो हम लोग एक चेक करके देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट हम लिए हुए हैं जिसमें डेप्थ है, पर मुझे अभी पता नहीं है कि इसमें कितना डेप्थ है। हम लोग अभी इसको मेजरमेंट करके देख लेते हैं। मेजरमेंट तक करने का तरीका आप लोग देख लीजिए, एक हाथ से हम लोग इसको पकड़ेंगे, उसके बाद धीरे से स्लाइड करेंगे, धीरे से जस्ट वहां सट जाएगा सरफेस पे। फिर हम लोग लॉकिंग नट को टाइट करेंगे, लॉकिंग नट को टाइट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हम लोगों का ये मेजरमेंट कितना हुआ। अभी हम लोग देख लेते हैं मेजरमेंट कितना हुआ है। ये हम लोगों को दिख रहा है 50 के सामने में है, बट 50 से कम है या ज्यादा है उसको देखना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्ट 50 mm है, ठीक है, इसमें पॉइंट में नहीं है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 50 mm है, 50 पर है मेन स्केल में, इसलिए ये 50 mm है। थैंक यू। अभी हम लोग कुछ देर पहले किए वर्नियर कैलिपर के बारे में देखे कि कैसे इससे मेजरमेंट करते हैं, कैसे इसे डेप्थ मेजरमेंट करते हैं, आउटसाइड मेजरमेंट करते हैं, इनसाइड मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे वी ब्लॉक कि किस मटेरियल से बना होता है, किस लिए यूज होता है वी ब्लॉक, कहाँ पे यूज होता है, और अभी देखते हैं, ठीक है। वी ब्लॉक मेनली अलग अलग शेप में आते हैं, बट हम लोगों के पास एक ही शेप के है, शेप का है, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग शेप के आते हैं, बट हम लोगों का शेप एक ही शेप का है। तो मेनली ये सपोर्टिंग जॉब को सपोर्ट करने के लिए है, कोई भी राउंड वर्कपीस है उसको सपोर्ट करने के लिए इस टाइप से यहाँ देखेंगे। इसके साथ में एक हम लोगों का यू क्लैंप आता है, वो इस टाइप से रहेगा और यहाँ ऊपर से उसमें बोल्ट रहते हैं, ठीक है। तो ऊपर से हम लोग जब टाइट करेंगे बोल्ट को तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये घूमेगा नहीं वापस। और किसी भी चीज को हम लोग जैसे इसमें रख के क्लैंप करके यू क्लैंप की मदद से इसमें फाइलिंग कर सकते हैं, या फिर मार्किंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं राउंड वर्कपीस के लिए जो कि मूव ना करे। अगर हम लोग इसको वी ब्लॉक के जगह पे अगर यहाँ पे हम लोग रख दिए, इस पर ड्रिल करेंगे तो ये घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, इसलिए हम लोग वी ब्लॉक को वी ब्लॉक में इसको रखेंगे तो ये मूव नहीं करेगा, कोई भी साइड पे मूव नहीं कर सकता है। तो यू क्लैंप के मदद से इसको हम लोग इस तरह से टाइट करते हैं, उसके बाद ये मूव नहीं करेगा। ये हम लोगों के पास यू क्लैंप है, इसे अभी हम लोग क्लैंप करके देखते हैं। क्लैंप हो रहा है या नहीं हो रहा है, से हम लोग अभी
एक हैंडल पकड़े हैं छोटा सा, हम टाइट कर देते हैं, टाइट कर दिए। अभी हम यू क्लैंप से भी ब्लॉक में वापिस को, ठीक है। उसके बाद कोई भी ऑपरेशन जैसे करना है, ड्रिलिंग करना है या फिर इस पर फाइलिंग करना है, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ये अभी मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग अभी यू क्लैंप का यूज किए हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखे वी ब्लॉक के बारे में कि एक क्या यूज होता है, क्या मटेरियल यूज होता है इसमें। तो इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि सरफेस प्लेट का यूज कैसे करते हैं, सरफेस प्लेट कितने टाइप के होते हैं। तो अभी बताएंगे आप लोगों को कि ये सरफेस प्लेट किस मटेरियल का बना होता है, कितने टाइप का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे परफेक्ट हम लोगों के पास जो होता है वो ग्रेनाइट, एक पत्थर का बना हुआ होता है, उसका सरफेस बहुत प्लेन होता है। वो हम लोगों के पास अभी अवेलेबल है नहीं, बट सबसे सरफेस प्लेन उसी का होता है। उसके बाद आता है एक, उसके बाद आता है कास्ट आयरन का, उसके बाद माइल्ड स्टील। तो ये जो हम लोगों के पास है वो है कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का देख सकते हैं, ये कास्ट आयरन का है। और एक होता है माइल्ड स्टील, उसका शॉर्टकट नेम है MS। तो ये अभी इसमें हम लोग यूज करके देखते हैं कि किस तरह से ये यूज होता है। कोई भी एक हम वापिस लिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा चॉक से कर देते हैं, लेपिंग कर दिए इस पर, चॉक का लेपिंग कर दिए। अभी सरफेस प्लेट का हम लोग यूज करेंगे। ये हम लोगों के पास भी ब्लॉक है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इस पर हम लोग एक वर्कपीस को खड़ा करते हैं। तो अभी इस पर हम लोग 50 mm में मार्किंग करते हैं कि 50 mm कहाँ पे होगा सरफेस प्लेट की मदद से। सबसे पहले एक स्केल हम लोग लेते हैं और ये है मार्किंग ब्लॉक। मार्किंग ब्लॉक से हम लोग देखेंगे कि 50 mm कहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, इसको टाइट कर लेते हैं। मार्किंग ब्लॉक है ये, फिफ्टी एम एम पर अभी सेट कर रहे हैं। उसका पॉइंट 50 mm पर आना चाहिए। हम लोग इससे मार्किंग करेंगे, उसके बाद फिर स्केल से चेक करेंगे। अभी 50 पर आ गया है, तो अभी इस पर हम लोग मार्किंग करते हैं। भी ब्लॉक के सामने में सटा कर रखेंगे, स्ट्रेट 90 डिग्री में होना चाहिए। उसके बाद अभी मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी कॉर्नर पे टच कराएंगे, सरफेस से सटा के इधर स्लाइड कर दिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे दिखता होगा लकीर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 50 mm हो जाएगा। मेजर करके इसको हम लोग देखते हैं, ये दिख रहा है 50 mm, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से स्लाइड किए उस समय अगर ये हमारा सरफेस प्लेन नहीं रहेगा तो ये हमारा एक्यूरेसी सही नहीं आएगा। ये सरफेस प्लेन नहीं रहेगा तो ये हमारा एक्यूरेसी नहीं आएगा। थैंक यू।